राम राम। जय हिंद सभी पत्रकार साथियों का, रोज तगाड़ा का। आप आए इतनी कसूती गर्मी में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मीटिंग थी साथियों की, सारे नौजवान साथी जो तैयारी में लगे हुए थे पिछली 23 अप्रैल के लिए। और उस 23 अप्रैल की तैयारी में जो लगे हुए थे, और कंस मामा मुख्यमंत्री ने, खट्टर साहब ने भगवान परशुराम जन्मोत्सव जयंती को जो रोक के जो पाप करा था, तो वो जो पाप करा था उसके लिए ये अब आज मीटिंग हुई है, जो 21 मई को 21 बार पृथ्वी जीतने वाले भगवान परशुराम की 21 मई को अब जयंती जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसके लिए मीटिंग में कई चीजें डिसाइड हुई है, वो आप साथियों को बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले, पता नहीं मेरे ख्याल में 3 दिन पहले, कोई कंस मामा का, मुख्यमंत्री का कोई दूत आया था बताते हैं। और वो दूत आकर ये कह रहा था, आक हमने जमीन दे दी है, बार बार एक बार दम जमीन दे दी है मुख्यमंत्री ने। और दूत अरुण के वे और कई ढाड़गा के कई चीज कही जा रहे, वे कोई लाडू बाटे, कोई धन्यवाद दे है मुख्यमंत्री की, जय हो जय हो जय हो। चमचागिरी की भी हद हो है, उससे भी आगे निकल जाए, शरा दे रहे मुख्यमंत्री को। तो वो जो दूत आया था उसने एक तो जो गलत गड़बड़ कर रखी है वो सुन ले, वो ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी। वैसे अब जी मुख्यमंत्री के दूत साहब है, जो आप कह रहे थे वहां तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल पर, कोई कह रहा है मंदिर, कोई कह रहा है, इसमें तो सिर्फ 3 चीज बनेंगी, भगवान परशुराम परिसर, पार्क बनावा हम परिसर, ध्यान से बोलना, गलत मत बोलना, भगवान परशुराम धाम बोलना उसको, एक तो ये है भाई नाम है धाम, भगवान परशुराम धाम, धाम भगवान परशुराम का धाम है, वो परिसर नहीं है। हमने कद न्यू कही उड़े बुच्चड़ खाना खलवावेंगे, हमें हमने भी तो यह बात कही थी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन पहली ईट भगवान परशुराम मंदिर मूर्ति निर्माण की, क्या की भाई मंदिर की, भगवान परशुराम मंदिर बनाएगा ना भाई, भगवान परशुराम का मंदिर मूर्ति निर्माण पहली ईट उसकी लागेगी, उसके बाद स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बन जाएंगे, कोई ना रोक रहा। अरे 8 साल 8.5 साल तक सरकार चल रही, पहले क्यों ना ये काम करा, ये तो 8 महीने में काम होने का था, 8.5 साल हो गए। अरे जो सिर देने वाले मेरे भाई हैं उनको मैं ये कह रहा हूं, ये सिर किसी को देने की जरूरत नहीं है, यो सिर दे ही हो रहा भगवान परशुराम का फरसा, क्या पर है फरसा, या जमीन फरसे के दम पर फरसा दारिया ने 36 बरादरी के भाईचारे गल मिलकर भोलेनाथ के आशीर्वाद परशुराम की ताकत से ली हुई जमीन है, कोई सरकार के रैम पे नहीं, फरसे के दम पे फरसादारिया ने उनने ले रखी है, या जूते चाटने वाला कोई ना मिल रही है जमीन है, कदे किसे गलत फहमी में हो, मुख्यमंत्री ने ना दे रखी है जमीन है, मुख्यमंत्री देव है 8.5 साल हो गए मुख्यमंत्री बने, हाथ जोड़े तो ना मिल रही, हाथ तोड़े हैं सरकार के, जब मिली है या जमीन है। तो ये जो सरे लेने की किसी ने जरूरत है नहीं, सरे भोलेनाथ को, सरे भगवान परशुराम को, सरे उन मुंडनदारियों को, सरे उन फरसादारियों को, सरे उस 36 बरादरी के भाईचारे को, जो तन मन धन से जिन्होंने इस आंदोलन में साथ दिया, जो पिछली बार जयंती में बराबर पहुंचे थे, सरे उनको। जब या जयंती रुकवाई गई 23 अप्रैल की, उस टाइम क्या हुआ भाई,
अरे उस टाइम थारी जीभ का लकवा लाग गया था गे, उस टाइम तो इनकी जीभ न्यू पड़ी थी है। अरे ये भी मुख्यमंत्री की लपर 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 कुछ शर्म कर लो, दीन मान स्वाभिमान होया कर, आदमी का आत्मा होया कर, आत्मा सब क्या है ना बेचोगे के मेरे भाईयो। अरे सोच के देखो थोड़ा, थारे मुंह ते एक एक सांसद का वो आया के था, वो बयान आ रहा था वीडियो, भगवान परशुराम का नाम तक ले लिया गया यार, गजब बात। क्या समस्या हुई भगवान परशुराम तेरे, तुमने बोला जमीन दे दी है, जमीन दे दी है, बोला जमीन दे के तो वहां पे स्कूल कॉलेज बनेंगे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेंगे, क्या मतलब है रहा ये? एक बार भगवान परशुराम का नाम नहीं लिया गया है, एक बार भगवान परशुराम की जय नहीं बोली गई वीडियो में, एक बार भगवान परशुराम के मंदिर का नाम नहीं लिया गया थरते। अरे सारा भाईचारा बैठ कर तय करेगा, जमीन पर और गांव की पर और गांव तय करेगा, समाज तय करेगा, छत्तीस बरादरी का भाईचारा तय करेगा, कौन है सरकार तय करने वाली, वहां क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कौन है? और अभी डॉक्यूमेंट आया नहीं है, इनकी घोषणा हुई है, कहां दी है कहां नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई कह रहा है रोड पर दे ही नहीं रखी, भीतर 11 फुट के रास्ते दे रखी है, तो इतनी बड़ी संस्था 11 फुट का रास्ता होगा उसका, लेकिन वो अभी कन्फर्म नहीं है, वो जब कन्फर्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। परमिशन ने लगा रखी है जो, और मेरे नाम से नहीं है, गांव के नाम से है, गांव वाले के नाम से है, परमिशन लगा रखी है, कोई ये ना कहना है अब तुम तो धींगा मस्ती कर रहे हो, परमिशन नहीं लगाई है, नहीं लगाई, सोमवार तक का टाइम दे रखा है उनने, अगर सोमवार तक का वो कराएं। और हम तो ये कहें आज ये फैसले हुए हैं, इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं, फैसला ये है सबका न्योता, कोई भी आओ, कोई नेता हो, मुंडन करा गाओ, स्वागत है, करना अपना वैसा अपना करा रही हो, जनता होगी उठे और जनता आके वहां पे भगवान परशुराम का भोलेनाथ का आशीर्वाद लेगी। हमने किसी नेतागिरी की किसी की जरूरत है ना, हाँ किसी को पहुंच रहा हो दुख, अब ये रोकी गई या कोई बोला उस टाइम पे, कोई नेता किसी भी पार्टी का मुंडन करा था, और नहीं तो दादुली चंद 104 साल का, जिसकी वजह से हजारों बुजुर्गों की पेंशन बनी थी, वो मुख्य अतिथि है। और भाई ये मुंडन, वो महामुख्य अतिथि मुंडन वाले मुख्य अतिथि, इसको ना ना मतलब नेता वहां क्या मतलब है, मुंडन कराओ आप, करवा लो जिसका करवाना है, मंच पे के खाली जो मुंडन करा रखा वही लोग होंगे, नेता तो कोई बिना मुंडन के होगा नहीं, तो 21 बार कोशिश करेंगे, देखें ये क्यों ना मिलती, तो आप लोग तो देख रहे हो, आप तो खबर चला रहे हो, हैं? हम तो पिछली बार भी जब कर रहे थे, जो लड्डू 2-3 में बांट लिए उन्होंने, तो 2-3 पे लड्डू बांट लिए ना, अख दे दी कैबिनेट के, तो और बहुत फैसले हैं ऐसे जो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए, कई है, इसीलिए तो मैंने नहीं बोला ना आपका जमीन का जो मामला है, के है के रास्ते पे दी है नहीं दी है, नोटिफिकेशन अभी तो आया नहीं है, क्या जिद है, जिद थोड़ी है काका, इसमें जिद के है यार, जिद की है, बोले जिद कौन है मेरे भाई, आप ये समझो सीनियर पत्रकार, जिद कौन है भगवान परशुराम जयंती जन्मोत्सव मनाना मेरे भाई, उसमें के जिद है, उस जमीन ने ठाक लाओ थे हम पिछली बार भी बताओ, जिद थोड़ी है, वो जो अपमान होया है भगवान परशुराम की शान में, जो गुस्ताखी हुई है वो उसको की जा, जमीन तो मारिए थी किसकी थी यार, अच्छी बात करे, सरकार की जमीन थोड़ी थी, गांव की जमीन थी, उस पर क्यों डंडोरा पीट रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री का स्वागत करूंगा, और बताओ मुख्यमंत्री ने मुंडन भी कराने की जरूरत नहीं है, 100 करोड़ रुपये लाकर संस्था को दे दो, मंदिर तय लिए 21 रुपये दे जाए, वो भी बहुत है, वो भी श्रद्धा होता है, नहीं तो हमने उसकी जरूरत नहीं है, समाज मिलकर छत्तीस बरादरी का भाईचारा मिलकर भगवान परशुराम मंदिर मूर्ति निर्माण करवा लेगा, संस्था के लिए 100 करोड़ रुपये दे, मुख्यमंत्री आ जाओ, और मुख्यमंत्री ने वैसे आना है भाई, ऊ आना है, जयकार करवाना चाहे तो बिना मुंडन तो मारे दर उड़ाने की किसी ने जरूरत है नहीं, नेताओं ने विशिष्ट अतिथि होंगे,
जिनका बाढ़ है, आपके जैसे बाढ़ है तो आप विशिष्ट अतिथि में, आप कमजोर मत मानिए अपने आप को। पत्रकार भाई यहाँ सारा है, पत्रकारों के लिए नहीं है ये, बाकी जितने भी भाई उनके लिए भी नहीं है, ये तो वॉलेंट्री है। और ये बाढ़ तो क्योंकि मैं अंदर पर्वत जाऊंगा, भगवान परशुराम थे वहां पे, कूड़ा चढ़वा आऊंगे भाई आपको। इससे पहले रेणुका धाम और हरिद्वार गए, हमने एक बात समझ में नहीं आती, जो पार्टियां में ऑलरेडी पदाधिकारी हैं, राजनीति में है, पार्टियां के नेताओं की जय बोलने लग रहे हुए थे, नुके है नवीन जय राजनीति कर रहा, मेरी तो कोई पार्टी भी बना, मतलब वे हो गया समाज सेवक, मैं हो गया पॉलिटिशियन। क्या गजब की बात है यार, ये तो बड़ी गजब की बात है कि राजनीति कर रहे हैं। और जो मानता हो, जो जिसने जो माना है मान लो, कोई प्रगना करता है, जनता की आवाज उठा रहे हैं, छत्तीस बरादरी की सारे भाईचारे, ये सम्मान सम्मान स्वागत है। बहुत ना केवल नाम की जरूरत है, मैंने कोई जरूरत को ना नाम की आन तो सरे लेना, ये कुकर मुते तो ऐसे ही आते रहते हैं मैडम, क्या है वो, क्या कह रहे हैं, कौन सिखा होता वे लकड़ा कर रहे जाएगी जुई के आ रहे हैं, चमाशे का मेंढक कहते हैं जैसे कुछ, तो बरसाती मेंढक होते हैं कुछ, गिजाई भी बोल देते हैं सरे। तो मन ने तो मेरे ख्याल में जब मारे पे FIR की तरह दिखे, ये जब भगवान परशुराम का मैंने जैसे बताया, जब इन्हें रोक्या उस टाइम पे इनकी जीव ना चाली, लपर 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 करा ही इनकी जीव। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं उन भाइयों को भी समझा रहा हूँ, भगवान कुछ सदबुद्धि दे, उनके दिमाग भी ठीक हो जाए। बाकी ये समाज के लिए मान सम्मान की लड़ाई है, विभीषण कहलाओगे भाइयों, गद्दार कहलाओगे, भगवान परशुराम की शान गुस्ता की हो रही है, जय दिखे में नहीं हो रही है, इस बात को समझ लो। और मुझे सरे की कोई जरूरत नहीं, सरे तो जिन लोगों ने, आप लोग सरे तो देना चाहिए था आप लोगों को, पत्रकार लोगों को देना चाहिए, आप लोगों ने इतनी बढ़िया बढ़िया खबर छापी, इस तरह अन्याय खबर छापी, इनने क्या कर रहे, ये तो देखा हुए लोग लोग का जाग देखे यार, उड़ाए भी ना थे लोग लोग का। तो इसलिए ये तो तैयारी है 21 तारीख की, 21 बार पृथ्वी जीतने वाले भगवान परशुराम की शान में गुस्ताखी हुई, उसका मामला है, जमीन का मामला तो है ही नहीं, जमीन तो पहले भी कब्जा आपने देखा नहीं, मंदिर वही है वो, रोक क्या इनने दिखाया, ये इनने कही थी इसलिए दिखा हुआ, और झूठ बोली थी शिव साहब। गंजा होगा जा मुंडन करा का जो बस एक का लाइसेंस है, यो ही है ना भाई। कोई भी नेता किसी भी पार्टी का आ सकता है, उसका स्वागत है, स्टेज में बैठने के लिए और बोलने के लिए मुंडन जरूरी है। क्या जरूरी है भाई, अगर कोई सबका स्वागत है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको लगा गलत करा सरकार ने, कोई भी नेता आ जाओ, मुख्य अतिथि महा मुख्य अतिथि तो दादा दुलचन है, और मुख्य अतिथि मुंडन वाले है, जो भी मुंडन वाला हो सारे मुख्य अतिथि, और बिना मुंडन वाले विशिष्ट अतिथि है। भोलेनाथ बताएगा ये, मैं ये उस दिन भोलेनाथ बताएगा, भगवान परशुराम का जो आदेश होगा वो बोलना, मन ने तो बोलने की भी जरूरत ना है, तो सिद्धि बात है, मंदिर बनेगा, भगवान परशुराम बनेगा ना भाई, भगवान परशुराम का मंदिर मूर्ति निर्माण होगा, उसके लिए वहां पर चर्चा होगी, भाषण वाषण पे हमने भी बताए दे दिए, मैं तो वहां खड़े लोग आओगे उनका स्वागत करूंगा, अपने भैया का योद्धा होगा, योद्धा तो नहीं आ सकता, योद्धा आओगे तो योद्धाओं का स्वागत होगा, देसी घी का भंडारा होगा, परावर गांव की तरफ से ये हमारे पूरा भंडारा प्रसाद जो होगा वो परावर गांव अपनी तरफ से करेगा लोगों का लिए, और सबके स्वागत में परावर गांव खड़ा रहेगा। नहीं देखो, नहीं पहली बात तो ये है, अब कोई धृतराष्ट्र हो रहे हो तो मैं उनकी बात करता नहीं, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कहता, धृतराष्ट्र नहीं दिखता होगा उनको, कहो कि जाओ उड़े जाकर देखा नींव भरी है कि ना भरी है, वहां क्या है क्या नहीं, वहां भगवान परशुराम धाम है,
अब जमीन कहाँ दी है इन्होंने, कहा नहीं। मैंने कहा कि वो चीजें हमारे पास अभी आई नहीं है, उस पर तो अलग से ही बात हो पाऊंगी। अब जमीन दी कहाँ पे, क्योंकि मैं एक दूत का बयान सुन रहा था, वो कह रहा था अब वही जमीन है और कोई कम नहीं है, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। तो वो तो जब डॉक्यूमेंट पे आएंगी चीजें उसके बाद ही बता पाएंगे। नहीं देखिए, ना ना ना, वो देखो वही तो चीजें हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता कोई कुछ भी करता है। लेकिन जो सीएम का दूत है उसकी बात को तो ज्यादा सुनना पड़ेगा ना। उसने ये कहा कि वही जमीन है ना, जमीन कम हुई है, हमने तो जमीन इकट्ठी की है, तो ठीक है ना। वो चीज एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद ही उसके बारे में तो कुछ बता पाएंगे।